चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा बिखरी हुई है, भूपेंद्र यादव किस बात का आशीर्वाद मांग रहे हैं, पहले 2.5 साल का हिसाब तो दे दीजिए। नरेंद्र मोदी ने 7.5 साल का हिसाब जनता को नहीं दिया, तो वहीं आरएसएस प्रचारक निंबा राम मामले पर बोलते हुए कहा कि वो जहां भी छिपे हैं पुलिस के आगे आकर अपनी सफाई देनी चाहिए। बीजेपी इतनी बिखरी पड़ी है, इतनी टूटी पड़ी है, अंदर से इतनी खोखली हो चुकी है कि हमें तो ये लग रहा है कि ये वापस अपने पैरों पे खड़े होंगे कि नहीं, ऐसे ही झगड़ते रहेंगे। हम तो चाहते हैं कि प्रतिपक्ष मजबूत रहे, हमारी कोई योजनाओं की कमियां खामियां बताए, जनता के साथ में अगर कोई कमी बत्ती रह रही तो उसके साथ में खड़ा रहे। राजस्थान की बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप में कुंठित महसूस कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को तो आपसी लड़ाई से ही फुर्सत नहीं है और ये ट्विटर का वार खेल रहे हैं। आज आप देखिए 2.5 साल बाद में केंद्र में मंत्री बने बैठे 3-3 मंत्री राजस्थान से, वो 1 रुपए का एक धेले का काम कर नहीं पाए। अब भूपेंद्र यादव जी की रहनुमाई में, उनकी अगुवाई में वो फिर आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं, किस मुंह से आ रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। राजस्थान की जनता उनसे पूछना चाहती है कि अगर आप आशीर्वाद ले रहे हैं तो 2.5 साल का हिसाब तो दे दीजिए। मोदी जी ने तो कहा था कि मैं हर 5 साल का हिसाब दूंगा। एक काम जरूर है, वो निम्बा राम जी अभी भी छुपे बैठे आ नहीं रहे, उनको फेस करना चाहिए, उनको आकर के पुलिस को बताना चाहिए कि हाँ भाई मेरा कोई दोष नहीं है। वो बताएं क्या दिक्कत आ रही है उसमें। अब लखनऊ पता नहीं दिल्ली वहाँ छुपने से तो काम चलेगा नहीं, पुलिस में अगर केस है तो उनको आना पड़ेगा, आकर के अपनी बात कहनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे राजनीति करते हैं, जो जनता से कभी चुनाव जीत के नहीं आते, न जनता से कभी उनका सरोकार रहता, ये लोग बाग केंद्र हो चाहे यहाँ बीजेपी जब सरकार थी, ये लोग शासन चलाते हैं, भ्रष्टाचार का उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं तो छुप करके कहीं देश में कोने में छुप करके बैठ जाते हैं।